नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का विधान है। माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। 10 भुजाओं वाली चंद्रघंटा स्वरूप में देवी एक तरफ कमल और कमंडल तो दूसरी ओर शत्रुओं के नाश के लिए त्रिशूल, गदा और खड़ग जैसे अस्त्र भी धारण करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा अपने मस्तक पर मुकुट धारण करती हैं। उसमें अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, इसलिए इस स्वरूप में देवी माँ चंद्रघंटा कहलाती हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह जल्दी स्नान कर माँ का ध्यान करना चाहिए। देवी की पूजा के लिए लाल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए। पूजा में अक्षत, चंदन और भोग के लिए पेड़ चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि मंत्रों का जप, घी से दीपक जलाने, आरती, शंख और घंटी बजाने से माता प्रसन्न होती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बने मिष्ठान अति प्रिय हैं। उन्हें भोग में दूध से बने पेड़े चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना से साहसी और पराक्रमी बनने का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से भक्तों को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंद्रघंटा माँ की सदा ही जय।